तो आज की ये खुशी हम कहाँ पे मनाने वाले हैं? ना आप लोगों ने मेरे ऊपर एहसान करना ना इनके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम, 20वां रोजा है और मैं दो दिन मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि आई वाज वेरी बिजी। आज का दिन बड़ा खसूसी आप लोग के साथ स्टोरीज मैंने शेयर की थी कि टीकेआर वाहिद वो रेस्टोरेंट बन गया पाकिस्तान का जिसने 1 मिलियन फेसबुक पे और 2 मिलियन डिफरेंट सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉलोअर गेन किए। तो आज की ये खुशी हम कहाँ पे मनाने वाले हैं? स्पेशल 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, ये कहाँ पे मनाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आ जाए शुरू करें तो जनाब ये वापस तय करने और आपको दिखाते हैं कि हम सिर्फ केक के साथ नहीं जा रहे, पूरा सामान है यहाँ पे, बैग है, पकौड़े, समोसे और अफ्तारी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। कहाँ पे हम लेके जा रहे हैं एक सस्पेंस है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और आप लोग एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं इंशाल्लाह। अफ्तारी हम करेंगे लेकिन मजा आप लोग लेके आए मेरे साथ। कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के कोने कोने से क्या दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे। जब मैं टीकेआर ओपन कर रहा था तो माइंड में ये था कि लतरार रोड है, इधर बहुत सारे दुकानदार लोग हैं, तो ये अगर लंच करने आएंगे, डिनर करने आएंगे तो थोड़ा बहुत गुजारा होगा। और ये दिल की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं 3-4 महीने बाद फिर क्या हुआ। ताहिर खान रेस्टोरेंट इन शिनवारी फूड से टीकेआर कैसे बना, आप लोगों तक हमारी वीडियोज़ कैसे पहुँची और ताहिर खान फूड शिनवारी फूड से ये टीकेआर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक जाना पहचाना ब्रांड आप लोगों ने इसे बनाया, तो इससे मुझे और कोई खुशी नहीं हो सकती। आज जो मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, जब से मैंने सोशल वर्क शुरू किया है, सोशल मीडिया पे मैंने काम शुरू किया है, इन्हीं कामों में मुझे सुकून है और इसलिए मैं आप लोगों को खसूसन लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ जाएँ और ये जो खुशी है ये हम अकेले नहीं मनाएं, उन स्पेशल लोगों के साथ मनाएं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो आए चलते हैं। उनके लिए एक जन्नत है और इसकी जो स्टोरी है ना वो अंदर आपको मैं सुनाता हूँ कि ये लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। चौके से ब्रदर अमर रस्ता दे छोड़े छोड़े ये गिर जाएगा आपसे, आप पकड़ लोगे आराम से, आपने नीचे रखा है ठीक है, नीचे रख दे, नीचे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से नीचे रख दीजिए। शाबाश शौकत सिंह पुनी साहब, बच्चा छोड़े बेटा चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुड ट्रेन ये गेट खुल जाएगा, नहीं नहीं आप गेट खोल दे बस जम भाई से, तो हम नहीं जाते फजून में, हाँ भाई से लग रहा है। शाबाश शाबाश जवानों, ये कितनी बड़ी बात लिखी माँ बाप की सबसे फिर महरूम बच्चों का अपना घर। अब क्या लगता है ताहिर खान जी आंटी गेट बंद कर दे, नहीं खोल रहा ठीक है, वैसे ही आप पिछले साल की तरह अपने घर में ऑफिस सब कुछ। ये देखिए किसी का बेटा तो होगा ना, और अपने ही घर में ऐसे बच्चों की परवरिश हो रही है, कमाल के लोग हैं यार। ये बच्चियों का आज चलो बेटा हमारे बच्चियों से मिलेंगे। क्या ले बच्चा से? माशाल्लाह
माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है जवानों? सब ठीक हो? क्या बात है यार, माशाल्लाह आज हम आपके मेहमान हैं, आप लोगों को पता है जी। तो आप हमें जगह दोगे? यहाँ पे बैठे हम। क्या बात है यार, बंदे छोटे लेकिन दिल बहुत बड़े बड़े इनके। बैठे बैठे बच्चा मेरे हाथ धो लेने, हाथ कहाँ पे दो यार। अच्छा जी, क्या बात है, रोजा था बेटा आपका? कितने रोजे रखे? दो छोड़ के सारे रखे, कमाल के यार। आपका हीरो माशाल्लाह। तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आज 20वां रोजा है और हर रोजा हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट वन। और देखिए प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन क्रेडिट आउट गोज़ टू दैट पर्सन माशाल्लाह, अपने ही घर में बच्चों को ये सिस्टम, तो ये कमाल का है। तारी करेंगे, गपशप लगाएंगे। वादी नीलम कितना आर्स हुआ यहाँ? चार साल। चार साल इधर ही रह रहे हैं? कश्मीर आना जाना रहता है जी। तो यहाँ दिल लग गया है? क्या बात है बेटा, आप पुख्तन है? रावा चौमड़ा बलाल इंडिया अगर रशे बनी सर सोनो खुश हो गया सोने टाइम जो शो ग्रेकोला द टू मिक्स ही वाला कोइस्तान हाँ कोइस्तान में कहाँ से बच्चा? गिलगित है। गिलगित में कहाँ से? गिलगित आगे कौन से जगह? मैं पूरा घूम हूँ उधर, कर्दू है, हुंजा है, भूमि है। हाँ पठान हाँ वो गया हूँ यार। तो अफ्तारी कर ली बच्चों के साथ, अब टाइम है नमाज का, नमाज पढ़ेंगे और नमाज के बाद फिर भाई हम खाना खाएंगे, फिर बच्चों के साथ गपशप भी लगाएंगे। आए बच्चे चले जी आ जाए। अल्लाहु अकबर जो अमल अब आने वाले हैं उस अमल को क्या बोलते हैं? खाने का अमल, ठीक है। और खाना बंदा जो करता है ना दिल से करता है, दिल से करता है कि पेट से करता है बोलो? हाँ ऑब्वियसली यार, लेकिन जब दिल और इमोशंस इन्वॉल्व हो ना फिर खाने का मजा दुबला होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे बताया जाए। कैसे हैं आप? अरे सीट हमारी है, बिरयानी बन रही है ना। हाँ हाँ हाँ, ये किसी और मेरी फेवरेट होती थी चिकन बिरयानी, लेकिन ये डाइट शेड के मामले में ना ईद के बाद खाएंगे, डाइट पूरा ख़राब। बैठो बच्चा, शाबाश, खुल के बैठे। तगड़े हो जाओ। हाँ चले, तीसरा मजमा ले के आओ भाई।
नाम बताना है और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो वो भी आपने बताना है, और तीसरा मैं जो पूछूंगा कि आप लोगों ने बड़े होकर क्या बनना है। सबसे पहले मैं जिस बच्चे की तरफ इशारा करूंगा, सबसे पहले वो अपना वो खड़ा होकर नाम बताएगा, ठीक है, फिर वो ये बताएगा कि वो बिलोंग कहाँ से करता है, और तीसरा कि यार वो बनना क्या चाहता है। उसके बाद इंशाल्लाह जब आप सबसे हम पूछताछ करेंगे फिर हम यहाँ पे केक काटेंगे, ठीक है। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि मुझे कैमरों से प्यार था ना यार, कैमरे साथ हो तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो करते 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 तो मैं व्लॉगर बन गया, ठीक है, व्लॉगर से फिर मैं बिजनेसमैन बन गया। लेकिन अभी तक मैं वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि बचपन में मुझे कैमरों से प्यार था। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपका नाम, आपकी लोकेशन और आप बनना क्या चाहते हैं। बच्चा आप उठे पहले और जोर से आपने बताना है, नाम क्या आपका? मोहम्मद सुबान। कहाँ से बिलोंग करते बच्चा? लाहौर से। और बड़े होके क्या बनोगे इंशाल्लाह? आर्मी। तालियां होनी चाहिए इंशाल्लाह जी। बच्चा मेरा नाम फादर है, मैं बड़े संस्थान कुत्ता हूं, बिजनेसमैन बिजनेसमैन। वेलकम। मेरा नाम मैं कश्मीर जाएंगे, मैं सियासतदार बनना चाहता हूं। सियासतदार। मेरा नाम लाजिन है, मैं कोई सेंस कलर रखता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। क्या बात है। शादी में बलूचिस्तान साल करता हूं और मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। यूट्यूबर इधर आए, इधर आए, इधर आए ना यार। व्लॉगर कहता है ना, हमें बचपन याद आ जाता है। तो बच्चा ऑन द वेरी बेस्ट, नाम क्या है आपका? हसनैन। हसनैन इंशाल्लाह अगले 10 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्लॉगर बनेगा। मेरा नाम है सलीम, मैं सस्ता लोग तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर। मेरा नाम अदनान सिंह, मैं सस्ता लोग डॉक्टर। डॉक्टर मेरा नाम आप सबने बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। जब मैं छोटा था ना तो मैं ये कहता था कि यार मैं बड़ा होके क्रिकेटर बनूंगा, फिर मैंने कहा यार बड़ा होके आर्मी में जाऊंगा, फिर बहुत सारी चीजें आई ना जहन में। तो जो भी आप लोगों ने बनना है, एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है, और ये आपको बताया भी होगा, मैं एक बार फिर रिपीट भी करता हूँ, जो भी काम आप लोगों ने करना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने पायलट बनना है, आपने पुलिस बनना है, आपने आर्मी में आना है, एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जिस भी फील्ड में आप लोगों ने आना है ना, आपने एक चीज को देखनी है कि यार इस चीज से औरों को क्या फायदा होगा, ठीक है। अगर पुलिस में आएंगे, पुलिस में क्या क्या मजीद बेहतरी की कोशिश हो सकती है, आपने वो करनी है। अगर डॉक्टर आप बने तो आपने ये देखना होगा कि मेरे हाथ से कितना खैर अल्लाह पहुंचा सकता है लोगों तक। तो जो भी काम आप लोग सेलेक्ट करें तो जहन में ये चीज आप लोगों ने डालनी है कि मैंने खिदमत करना है लोगों का। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, अगर आपने मेरे साथ भलाई करनी है तो आपने मेरे लोगों, बेवस जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनके साथ भलाई करें, ये भलाई मेरे साथ है। जिस तरह आपके माशाल्लाह सर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों में ये जज्बा होना चाहिए कि जिस भी फील्ड में आपने जाना है, लेकिन ये चीज आप लोगों ने अहद करने की, जब हम बड़े होंगे तो अपने से नीचे लोगों का, कमजोर लोगों का, दूसरों का हमने ख्याल रखना है। वो चाहे सिर्फ पानी क्यों ना हो, एक गिलास पानी आपने किसी को दी, एक खजूर आपने किसी को दी, ठीक है, लेकिन इंसानियत का हमने ख्याल रखना है। झगड़े नहीं करने, लड़ाइयां नहीं करनी, नफरतें नहीं करनी, आजकल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमने बड़े होके ना प्यार, मोहब्बत और ये चीज इंशाल्लाह हम बांट देंगे, और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि आप लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बांटे। आज हमारी बहुत खुशी है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, आज से 2 साल पहले मैंने रेस्टोरेंट खोला, तो मेरे जहन में नहीं था कि हमारा रेस्टोरेंट एक बड़ा ब्रांड बनेगा। और आज कल परसों फेसबुक पे हमने 1 मिलियन क्रॉस किया, तो ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान का वाहिद रेस्टोरेंट मेरा रेस्टोरेंट बन गया टीकेआर की, जिसके फेसबुक पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। आज तक पाकिस्तान में कोई भी पेज 1 मिलियन क्रॉस नहीं किया।
वो खुशी थी, हम चाहते थे कि आप लोगों के साथ वो खुशी मनाए। तो किधर है मेरी टीम, ले गया भाई केक शेक ले गया ताकि बच्चों के साथ हम आप टीआर का मतलब है ताहिर खान रेस्टोरेंट, ताहिर खान मेरा नाम है, रेस्टोरेंट का मतलब रेस्टोरेंट राइट। ये टीआर की लोगो है एंड 1 मिलियन जिस तरह मैंने बात की कि हमने 1 मिलियन को क्रॉस किया, तो ये खुशी हम आप लोगों को डेडिकेट करते हैं सर, स्पेशली ये आपको बच्चों को बच्चों पीछे तुम किस तरह देखो। चले जी एंजॉय करें केक को। एक मिनट ताहिर भाई के लिए जी स्पेशल मोहम्मदिया दोस्त, इंशाल्लाह फिर से आऊंगा, बैठेंगे गपशप लगाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बड़ी बात है ताहिर भाई जिंदाबाद। तो जनाब आज का दिन आप लोगों ने देखा, मैं बहुत ही मशहूर हूँ भाई का, और ये हमारी बहन है माशाल्लाह। यतीम खाने में बहुत गया हूँ केपीके में, आप लोगों ने मेरे वीडियोस बहुत सारे देखे हैं, लेकिन यहाँ पे आके माहौल बिल्कुल अलग है। ये माहौल इस तरह है कि आप किसी के घर जाते हो, और ये इनका घर वाला सिस्टम है माशाल्लाह। मियाँ बीवी ने ये 4-5 साल पहले इन्होंने 2 बच्चों से स्टार्ट किया था, और आज भी अपने ही घर में माशाल्लाह उन बच्चों की परवरिश करे। सर बताइए कि अपने बारे में बच्चों के हवाले से जहन में ख्याल किस तरह है और किस तरह चीज़ें जा रही हैं। जी मेरा नाम फयाज अहमद है और मैं राइटर हूँ 10 किताबों का माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक ने ऐसी करम नवाजी की कि दिल में ख्याल आया कि हम यतीम खाना एक बनाएं या बच्चों की हालत करें, तो 2 बच्चों से हमने आज से 5 साल पहले आगाज़ किया, और ये सफ़र चलते चलते आज पाकिस्तान के 5 शहरों के अंदर मोहम्मदिया गोश की ब्रांचेज मौजूद हैं। तकरीबन 300 के करीब हमारे पास यतीम बच्चा मौजूद है, जिनका खाना पीना, रहाइश, स्कूल, मेडिकल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कपड़ा, जूता, अलगर्ज, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर ताहिर भाई यतीम बच्चा आता है और यहाँ से फिर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन के इंशाल्लाह वापस जाएगा माशाल्लाह। वो मैंने बच्चों से पूछा भी, बलूचिस्तान के बच्चे मिले मुझे, मेरे पठान बच्चे मुझे मिले। तो देखिए इस्लामाबाद में ऐसा एक कपल कि उन्होंने जो सोच और जो उनकी मेहनत थी और जो उनका ख्वाब था, तो उसको आज जब मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई। मैंने सुना हुआ कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो ऑब्वियसली भाभी का भी बड़ा रोल है इसमें। तो जब आप लोगों ने ये प्लान किया था, आप इनके माशाल्लाह वो जो कह रहे कि सीईओ है, आप बच्चों को साथ कैरी कर, ये पिक्चर्स वगैरह मैंने देखी, तो आप अपने इदारे के बारे से क्या कहना चाहती हैं? हमने ये स्टार्ट लिया था तो फयाज साहब की तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैं मतलब इस तरह के काम करूं। इससे पहले इन्होंने नाम माशाल्लाह बहुत ज्यादा कमाया है। अच्छा। तो ये हुआ कि इनका शौक था कि अब बस अब इस तरफ आ रहा हूं। तो जब इनका शौक मैंने देखा, पहले तो हमने 2 से 4 बच्चे घर में रख के देखे, 20 बच्चों तक हमने बिल्कुल उनको किसी को बताया ही नहीं। अच्छा। हमारे पास जितना जो भी था, हर जो हमसे हो सका, बेटियां भी हमने रखी और अपने घर से स्टार्ट किया, और इतना मजा और इतनी इबादत, इतना सुकून हमें महसूस हुआ कि हमने कहा कि अभी इसको हमने रुकने नहीं देना, छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह करते करते आज हम 5 शहरों में काम कर रहे हैं और बच्चियां नहीं है इस टाइम हमारे इदारे में, सारे बच्चे माशाल्लाह। ये मुझे बताइएगा कि इस्लामाबाद के बाद दूसरे शहरों में आप लोगों ने जो ब्रांचेस खोली, उसमें किस तरह आप लोगों को कुछ तकलीफ सामने थी, क्योंकि आप लोग इस्लामाबाद होते हैं तो वहाँ पे देखभाल कौन कर रहा है, किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? वहाँ देखभाल के लिए हमने स्टाफ रखा हुआ है। अच्छा। हमारा अपना भी राउंड होता है, महीने में 2 से 3 चक्कर हमारे हेल्थ सेंटर में तकरीबन लग जाते हैं। अच्छा। बच्चों, क्योंकि बच्चों से मिलना होता है, स्टाफ पे हम बिल्कुल उस तरह से वो नहीं कर सकते क्योंकि जिम्मेदारी हमारी। दूसरी बात ये कि बहुत छोटी जिंदगी हमारे साथ तो 2-3 बच्चे होते हैं तो वो कह रहे ये इतना तंग करती है, किस तरह मैनेज करते हो कि इतने बच्चे, हर बच्चे का अपना एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, इन बच्चों को कैरी करके, डिफरेंट पश्तो इसमें बोल रहे हैं, बलूचिस्तानी है, पंजाबी है, कश्मीरी बच्चे मैंने देखे,
तो इसको आप किस तरह लेके जाती हैं? माशाल्लाह पहले तो होता है हर घर में, आपको पता है जैसा आपके घर में भी होगा इस तरह, लेकिन अब हम लोग इतना, मैं खासकर इतना आदी हो चुकी है, हम लोग बच्चे घर जाते हैं तो हमारी तो बहुत मुश्किल हो जाती है, मैं जल्दी से कॉल करती हूँ बच्चे वापस आ जाए, इतने ज्यादा आदी हो गए, इतने ज्यादा की मैं तो खुद इन बच्चों पे बुला नहीं रह सकती। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे। देखिए हर बंदे ने अपने हिस्से का काम करना है, दोनों कपल मिल के कितने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। मैं थ्रू सोशल मीडिया आप लोगों को चीजें बताता हूँ, दिखाता हूँ, जितना मुझसे हो सके पॉजिटिविटी स्प्रेड करता हूँ, बहुत सारी चीजें कैमरे की पेजी पे हम करते हैं। सर मैं आपसे आखिर में यही जानना चाहता हूँ कि जितना आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो अगर मेरे बहुत सारे ओवरसीज लोग हैं, अगर वो इस कार्य खैर में आप लोगों का साथ देना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से, आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर हो, कोई भी चीज हो तो आप कहेंगे हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 03149032724 मोहम्मदी आगोश के पेजेस फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपके रेफरेंस से भी लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, आप तो हमारे पड़ोसी भी हैं। और सबसे अहम चीज़ के ताहिर भाई और इनकी टीम हर साल रमज़ान में हमारे पास आती है, इन यतीम बच्चों के सर पे दस्ते शफकत रखती है और इन बच्चों को रियलाइज करवाती है कि आप हजारों करोड़ों लाखों पाकिस्तानियों के होते हुए आप अकेले नहीं हैं। तो इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी शफकत जो है वो इन ये माँ बाप की शफकत से महरूम इन बच्चों के साथ हमेशा होती है। आपके जितने व्यूवर्स हैं हम उनको कहेंगे, ये मैसेज देंगे कि आप आएँ तो शरीफ लाएँ, देखें और अपने हाथ से जो कुछ आप करना चाहते हैं वो करें, आपको फ्री है। शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह खैर। हम सब ने मिलकर इन बच्चों का ख्याल रखना है, ये ना आप लोगों ने मेरे ऊपर एहसान करना है ना इनके ऊपर, ये जो लेन देन बना हुआ है ना, मैं आप लोगों के सामने कहाँ से अल्लाह ताला ने कहाँ तक पहुँचाना है। तो ये वो चीज़ें होती है कि बैग पे जो आप लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको एक ऐसे मुकाम पे ला के देता है कि आपको आपकी सोच भी नहीं होती। तो ये स्क्रीन पे आप नंबर भी देख रहे हैं, इनसे रब्ता करें, खुद विजिट करें ताकि आप खुद सारी चीज़ें देखें। आप मस्जिद माशाल्लाह बच्चों का देख लें, जिस तरह नमाज पढ़ने के बाद ये दुआएं पढ़ते हैं, जिस तरीके से इनके खाने के बैठने का जो तरीका है, दुआएं पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चे इतने खुश कि माशाल्लाह इसकी सोच है। तो ज़रूर रब्ता करें और इस कार्य खैर में इनका हिस्सा बने। जज़ाकअल्लाह खैर।